दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम यशवंत यादव है और रहने वाला मैं गोरखपुर से हूँ। बाय प्रोफेशन से मैं बात करूँ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। करीब करीब 7.5 साल मैंने जॉब करी है। सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर टीम लीडर था। US की कंपनी थी, यहीं नोएडा में है, चेतु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसमें 7.5 साल मैंने जॉब करी है। उसी के दौरान मेरे को भी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करने का मौका मिला, जिसका नाम लेना चाहूँगा बहुत गर्व से, जिसका नाम है सेफ शॉप, जिसके माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ अपने आप में डेवलप किया, बहुत कुछ सारी चीज़ें करी। लगातार मैंने 4 साल काम करी है उसमें। 2015 नवंबर 2015 की ज्वाइनिंग है हमारी, और लगातार 4 साल काम करने के बाद में बहुत कुछ सीखा समझा। लेकिन कुछ समय एक समय ऐसा आया जहाँ पे मेरे को कुछ डिसीजन लेना पड़ा अपने टीम के लिए, अपने लिए, अपने लोगों के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी था और वो लेना पड़ा। कहीं ना कहीं मैं आपसे बात करूं, जो पहला रीजन था उस कंपनी को अभी मैंने ड्रॉप कर दिया है इसी लास्ट मंथ में। अभी हम एक अदर कंपनी के साथ में काम शुरू किया है। बताना चाहूँगा थोड़ा सा पास्ट का एक्सपीरियंस, बताना चाहूँगा क्या रीजन था हमारा कि हम कंपनी को छोड़े। सबसे पहला रीजन था, एमरल्ड लेवल पे मैं था, टोपाज का रिकग्निशन हो चुका था, एमरल्ड का रिकग्निशन बाकी था, 2500 के आसपास टीम थी। लेकिन उस टीम में 2500 के टीम में अगर एक्टिव लोग देखें तो मात्र 200 लोग थे, बाकी 2300 लोग कहीं ना कहीं कभी काम कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि उन लोगों में जानने की मैं कोशिश करी कि हमने टीम तो पूरी मेहनत से बनाई, पूरी शिद्दत से बनाई। हर व्यक्ति जिसके पास हमने गए तो वो ज्वाइनिंग करा, एक ही शर्त पे ज्वाइनिंग करता था, मेरे को भी नाम कमाना है, पैसा कमाना है और बिजनेस में बड़ा काम करना है। हर व्यक्ति एक अच्छे मुकाम हासिल भी करा। हर व्यक्ति कम से कम, मैं बात करूँ, 15 ऐसे सिल्वर हैं जो हमारे टीम में बैठे हुए थे, 4 ऐसे गोल्ड हैं वो भी लोग बैठे हुए थे, 1 पर्ल हैं वो भी बैठे हुए थे। लेकिन मैं बात करूँ रीजन जानना मैं चालू किया कि आखिर वो क्यों बैठ रहे हैं, क्या रीज़न है ऐसा कि मतलब कि वो काम नहीं कर रहे हैं। मैं रीज़न ढूंढना कोशिश कर चालू करा तो देखा सबसे पहला जो रीज़न निकल के आया कि लोग कहीं ना कहीं प्रोडक्ट से हमारे सेटिस्फाइड नहीं हो पाते थे। जिनको भी हम प्रोडक्ट देते थे तो उनके मन में एक ही सवाल आता था, वो सामने तो कुछ नहीं बोलते थे लेकिन पीछे जाने के बाद में एक ही सवाल कि प्रोडक्ट हमारे महंगे हैं। ये बहुत चैलेंजेस फेस करने में हर व्यक्ति, अगर कोई काम, फिर हमें समझाना भी पड़ता था कि आप प्रोडक्ट खरीदने के लिए थोड़े ना आए, आपको बिजनेस करना है, आपको बड़ा पैसा कमाना है। ड्रीम दिखाते थे उनको, ड्रीम दिखा के सेटिस्फाइड करते थे। हर लीडर वही काम करता था। लेकिन मैं बात करता हूँ, ये कहीं ना कहीं उन लोगों से मैं देखा, कई सारे लोगों को प्रोडक्ट महंगे होने के वजह से लगातार प्रोडक्ट हर समय बढ़े हैं, प्रोडक्ट का प्राइस जो बढ़े हैं, अगर मैं 2015 से मैं बात करूँ उस समय में और आज में, हर समय प्रोडक्ट वही है लेकिन उसका रेट बढ़े हैं। अगर आप देखें तो लोगों को मैं देखा, बहुत सारे लोगों को जाकर देखा तो उनके रिलेशन में काफ़ी बदलाव आए, उनके रिश्तेदारों में, उनके रिलेशन में जो किसी को प्रोडक्ट दे दिए वो सेटिस्फाइड नहीं हुए तो दोबारा रिटर्न करने की बात, या अगर आपको रिलेशन बचानी है तो रिटर्न प्रोडक्ट का प्राइस करना पड़ता था या प्रोडक्ट रिटर्न करना पड़ता था। ये सारे बहुत बड़ी चैलेंजेज है। लोग ना काम करने का रीज़न एक उनका रिलेशन टूटना, रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाते थे। दूसरी रीज़न ये भी है, सबसे बड़ी रीज़न है कि मैं आपसे बात करता हूँ, प्रोडक्ट यूजफुल के नहीं होना। हम प्रोडक्ट लेते थे लेकिन हम यूज नहीं कर पाते थे उसको फुली तरीके से। कहीं ना कहीं आप देखें मैक्सिमम प्रोडक्ट वैसे थे, अभी रिटेल में 2016 में कंपनी जब आई तो उसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे आने लगे जो नीड के हिसाब, जरूरत के हिसाब से आने लगी, लेकिन उसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ें जो थी, जो कि प्राइस अगर मार्केट से अगर कंपेरिजन हम करते थे, लोग कंपेरिजन, क्योंकि लोग हैं वो आज के डेट में इतने फास्ट हैं, हर एक आदमी अमेजन पे कंपेरिजन कर लेता है, फ्लिपकार्ट पे कंपेरिजन कर लेता है प्राइस को, प्रोडक्ट को, क्वालिटी को लेके। लेकिन मैं आपसे बात करूँ तो ये सारी चीज़ें चैलेंजेज आती थी, जिसका रीज़न यही था कि लोगों का ना काम करना। वही लोग काम कर पाते थे जो लोग सेमिनार में आ रहे हैं, जो लोग एक्टिव हैं, या जो मतलब डेडिकेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं, वही लोग प्रोडक्ट को यूज करते थे, अब वही लोग प्रोडक्ट को प्रमोशन कर पाते थे। यानी कहने का सेंस ये कि हर वो व्यक्ति जो अनाड़ी व्यक्ति है वो कभी इसमें काम को जारी नहीं कर पाता था। रीज़न मात्र कि उसको समझाने के लिए, चाहे वो चीज़ें उसके अंदर आत्मा नहीं बोलते थे कि ये प्रोडक्ट हम जब नहीं यूज कर पा रहे हैं, हम जब इसको प्रमोशन अपने घर में नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोगों को कैसे प्रमोशन करें, क्यों लोगों को बोलें। ये बड़ा रीज़न था हमारे सामने जो लोगों को सेटिस्फाइड नहीं हो, सेटिस्फेक्शन नहीं था।
दूसरी मैं बात करता हूँ आपसे, ऐसा नहीं है कि हमने पैसे बहुत कमाए, हम कमाते भी थे, करीब करीब एवरेज इनकम मैं बात करूँ तो मैक्सिमम इनकम 60 से 70 हज़ार महीने का हमने कमाए हैं। हाईएस्ट मतलब टीम में भी बहुत सारे लोग हैं, अर्नर है, बहुत तेज़ी से पैसे कमाए हैं, बहुत सारे डेडिकेटेड लोग हैं हमारे साथ में जो फुल टाइमर हैं, फुल टाइम अपनी नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को अपना करियर चुने हैं। लेकिन उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा समस्या थे उनकी, मतलब जो चेहरे पे झुर्रियाँ हमने देखी, जो एक दौर आया, आप लोग भी पता है कोरोना का समय जब आया, दौर है लॉकडाउन के समय, तो उस समय देखा गया हर एक व्यक्ति, मैं आपसे बात करता हूँ, कहीं ना कहीं आप देखें तो वो इनकम को लेकर योजना स्टार्ट किया, हर एक व्यक्ति का मतलब उस समय इनकम डाउन हुई। लेकिन उसी समय में मैं देखता था कि अदर कंपनी से कुछ मित्र हमारे थे, अदर लोग थे, उनको मैं देखता था, वो कहीं ना कहीं उस समय हैप्पी थे, खुश थे, उनका बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ा, लेकिन हमारे साथ में बिजनेस नहीं हो पाता था। रीज़न जब ढूंढना स्टार्ट किया तो ये सारी रीज़न हमें मिली, जिसपे मेरे को चीज़ें लगा कि नहीं, अब डिसीजन लेना चाहिए, टीम के लिए, अपने लिए, अपने लोगों के लिए डिसीजन लेना चाहिए, और डिसीजन मैंने लिया आज। और आज के डेट में मैं एक बहुत, उस समय सर्च किया, देखा बहुत सारे कंपनी हैं मार्केट में, जो आज के डेट में मैं बात करूं आपसे 457 कंपनियां जो MCA पर रजिस्टर्ड हैं। आप देखिए 27 साल हो गया इंडिया में काम करते हुए कंपनी में, लेकिन आज भी लोग बोलते हैं कि ये इंडस्ट्री अभी बच्चा है, ऐसा जबकि नहीं है। आप 27 साल का कोई बच्चा बच्चा नहीं होता, मैच्योर्ड आदमी हो जाता है, डिसीजन एक लेने लायक इंसान हो जाता है। लेकिन 27 साल बाद भी आज पूरी इंडस्ट्री मिलके भी आप देखिए डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया का मात्र 23,665 करोड़ का बिजनेस 2019 में कर पाई। रीजन मात्र क्या है कि लोगों का प्राइज पे प्रोडक्ट ना देना। छोटी मोटी कंपनी आती है, रामदेव बाबा हमारे आते हैं 2010 में, और 2019 में का टर्नओवर आप देख लीजिए 10,000 करोड़ का बिजनेस कर देते हैं अकेले भाई, आप सोच सकते हैं। रीजन मात्र यही है कि वो लोगों के नीड के हिसाब से, लोगों की जरूरत के समझा, और लोगों की जरूरत के हिसाब से उनके प्रोडक्ट को अफोर्डेबल प्राइस बनाया, उस प्राइस पे उन्होंने क्वालिटी दिया, और उस जिसका वजह है कि इतना बड़ा बिजनेस कर पाए। ये बहुत बड़ा रीजन है जो हमारे दिमाग में आया और सोचने पे मजबूर हो गए हम। और आज 4 साल इंडस्ट्री में काम करके डेडिकेशन के हिसाब से, आज इंडस्ट्री को पूरा समझने के बाद में ये पता मेरे को भी चला कि इससे बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान उस इंडस्ट्री को सही तरीके से फॉलो करे। आज इतनी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास में बहुत सारे अचीवमेंट है। हमारे पास्ट कंपनी में मैं बात करूँ सेफ शॉप में, बहुत सारे लीडर हैं, बहुत काबिलियत रखते हैं, बहुत पोटेंशियल उन लोगों के पास में है, लेकिन उनकी भी इनकम कैपिंग पे है। काबिलियत बहुत बड़ी है लेकिन कैपिंग के कारण वो उनकी इनकम लिमिटेड है। मैं वहीं पर देखा जनरेशन प्लान में लोग काम करते हैं, कम काबिलियत के लोग भी बड़ा इनकम करते हैं, ऐसा क्यों? ये सोचने पे मजबूर मैंने भी देखा समझा। जब सर्च किया देखा तो एक कंपनी एक बहुत फास्ट ग्रोइंग मेरे नज़र में आई, जिसका नाम मैं गर्व से लेना चाहूँगा, ओके लाइफ केयर, जिसको मैंने देखा कि आज के डेट में अगर आप देखिए ओके लाइफ केयर को, हर वो व्यक्ति आज 4 साल के अंदर बहुत टॉप अचीवर के रैंक, टॉप 5 के अंदर कंपनी का नाम आ रहा है, अच्छे अच्छे कंपनियाँ उसके निगाहें पे, अच्छे अच्छे लीडर उसको देख रहे हैं। मैंने भी उस चीज़ को जब देखा सर्च किया तो पाया कि उनके पास में जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं वो भी 2 लाख सिस्टम है, 2 लाख सिस्टम जनरेशन प्लान है, डेप्थ बिल्ड प्लान है, डेप्थ से इनकम आती है, 2 लाख सिस्टम है और जनरेशन प्लान है। दूसरी बात मैं बात करता हूँ उसकी, एक आईडी पे भी इंसान 3 आईडी 4 आईडी 5 आईडी पूरी घर की आईडी लगा लेता है, लेकिन मैं बात करूँ इसमें रीजन मात्र की कैपिंग है, एक आईडी पे कैपिंग 2 लाख के आने लगी तो दूसरी आईडी पे हम काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही आईडी पे आपको अनलिमिटेड पैसा मिलता है, करोड़ों अरबों रुपया एक ही आईडी पे कमा सकते हैं, जनरेशन का ये फायदा है। दूसरी बात मैं भी समझा कि इसके यहाँ पे आने के बाद हमने इसमें प्रोडक्ट अफोर्डेबल है, प्रोडक्ट आप देखें एकमात्र ऐसी कंपनी है जो प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस पे लेके आई है। आप कोई भी इसके प्रोडक्ट आप जज करें देखें, अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, अफोर्डेबल प्राइस है उसकी, लोगों के जरूरत के हिसाब से, मार्केट के जो ट्रेडिशनल बिजनेस में जो कंपनियां सेल कर रही हैं। इस कंपनी का विजन मैंने देखा, गर्व से नाम लेना चाहूँगा मिस्टर DK सारन सर का, उनके मैंने एक वीडियो देखी, उन्होंने बताई थी कि हमारा जो कंपटीशन है वो ट्रेडिशनल मार्केट से है, किसी अदर नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं है। वो नेटवर्क मार्केटिंग को भी अपना साथ मानते हैं और हर चीज़ समझते हैं,
मैंने उनका विजन बहुत अच्छा लगा और उनका विजन से मैं अपना विजन कनेक्ट कर पाया और सोचने की क्षमता बनी वहां से। बहुत डर लगता था कि पता ना क्या होगा, इतनी बड़ी लेवल को छोड़ के मैं जाऊंगा, मेरे ऊपर से काम करने पड़ेंगे, टीम मेरे साथ में आएगी नहीं आएगी, ये बहुत बड़ा चैलेंजेस था हमारे लिए। लेकिन मैं एक बात जरूर जानता था कि अगर सच्चाई से अगर आप रहते हैं तो आपका साथ मिलता है, इसमें दो राय नहीं, कोई भी साथ देने के लिए आपको रेडी हो जाता है अगर आप सच इंसान है तो। और वैसा मैं बिलीव किया अपने आप में कि अगर मैं सच्चाई हूं, सच्चा हूं, सच्चे तरीके से काम करा तो डेफिनेटली हमारे साथ में लोग आएंगे और साथ देंगे, और वही हुआ। आज मैं बात करता हूं, मैं आज पूरी अपनी टीम के साथ में, आज वोके लाइफ केयर के साथ में एक महीना मेरे को हो गया काम करते हुए। दूसरी मैं बात करता हूं, रीजन मैं बता रहा था कि आप देखिए इसके प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट का अगर रेंज देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। हमारे प्रोडक्ट के रेंज है, एक प्रोडक्ट मैं आपसे बात करता हूं, पेस्ट है। अगर आप मार्केट में कोई पेस्ट की बात आती है तो वो उसके सबसे पहले मुंह में आता है, जबान पे आती है कोलगेट, पतंजलि का आपका दंत क्रांति, पेप्सोडेंट का। लेकिन उनकी रेंज देखिए, वही 45 से लेकर 50-52 तक का रेंज है 100 ग्राम का। लेकिन हमारे पास में उससे अच्छी क्वालिटी का ओमेगा के साथ में पेस्ट देती है और मात्र 45 रुपए की देती है। आप सोच सकते हैं कि उनका विजन कितना बड़ा है। वो 95% लोगों में डील करना चाहते हैं, वो 5% लोगों में डील नहीं करना चाहते। यही रीजन है कि हम एक अनाड़ी बंदा भी यहां पे सफलता आराम से ले सकता है। एक अनाड़ी बंदा जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान नहीं है, कैसे सेल करी जाती है, क्या बात करी जाती है, वो भी यहां पे सेलिंग कर लेता है बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को। यहां पे जो सेलिंग प्रोसेस है वो किसी को ड्रीम दिखा के नहीं है, सेल करने का जो प्रोसेस है यहां पे प्रोडक्ट को दिखा के, हर कोई प्रोडक्ट दिखा के उसको टेस्ट करा के उसको सेल कर सकता है। अब वो ये इतना काम कोई भी कर सकता है, एक अनाड़ी बंदा भी प्रोडक्ट यूज करना। आपको लक्ष्य से लाइव वे में जाने के लिए बहुत कुछ नहीं सीखने की जरूरत है, चेंज करने की, एक बार को डिसीजन लेने की बात है, एक मिनट का डिसीजन होता है, लक्ष्य नहीं मिल रहा है लाइव वाला ले भाई, ऐसा होता है इंसान। अब वो जब ऐसा होगा तो डेफिनेटली आपके साथ में सोचिए नेटवर्क मार्केटिंग करना कितना आसान हो जाएगा। दूसरी बात मैं बात करता रहता कि करता था, रैंक की मैं बात करता हूं। हमारे पास कंपनी में रैंक थी, लेबल थी। हमारे डीके सर ने आज देखिए इस कंपनी के साथ में इतना बढ़िया खूबसूरत प्लान का डिजाइन करा जिसमें कोई रैंक, कोई आपका लेबल डिसाइड नहीं है, हर व्यक्ति एक समान है, हर व्यक्ति एक समान है। जैसे यहां पे आप देखिए पास्ट कंपनियों में था, वहां पे गोल्ड लेवल पे भी बंदे को मतलब फूल माला से स्वागत करी जाती है और उसके बिना वो रह नहीं सकता। हमारा लेवल हो गया, हम भी मैं काम करता था तो कहीं ना कहीं बेस पे जाने में शर्म आती थी कि मैं प्लान कैसे करेंगे। लेकिन यहां पे भी एक अच्छा अर्नर भी बंदा हमारे साथ में मिलकर काम कर करता है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। यहां पे कोई लेवल, कोई रैंक नहीं है, कोई चीजें नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे, इजी रिटर्न पॉलिसी है इसमें, अगर आपको अच्छा नहीं लगा प्रोडक्ट आप रिटर्न कर सकते हैं, इजी रिटर्न पॉलिसी है। सबसे बड़ी बात है कि प्रोडक्ट का जो सर्विस है, देने की प्रक्रिया है, सिस्टम जो चलाने की प्रक्रिया है, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरी बात, प्रोडक्ट की जो सर्विस देने की प्रक्रिया बहुत ही इजी है जिसकी वजह से लोग बहुत तेजी से ग्रोथ कर पा रहे हैं। जब आपके पास में, जब आप एफोर्डेबल प्राइस में प्रोडक्ट होंगे, एफर्ट आपके नीड के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट होंगे तो डेफिनेटली हर व्यक्ति आपका प्रोडक्ट यूज करेगा। और सोचिए आप नए, आप अपने आस पड़ोस में भी आप अपना बिजनेस कर पाएंगे, अपने लोगों में आप बिजनेस कर पाएंगे, आप अपने पड़ोसी में, अपने रिश्तेदारों में वो विश्वास जगा पाएंगे, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, यहां पे एक अनाड़ी बंदा भी पैसा कमा सकता है। कैसे? 1 लाख सिस्टम भी है, 1 लाख से भी पैसा आता है, ऐसा किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी में नहीं होता है, 1 लाख से पैसा। उन्होंने कितने ख्याल रखे कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर भी है, वो भी हमारे साथ में पैसा कमा सकता है अगर वो सिर्फ रेफरेंस देना जानता है। मतलब मीन्स एक ही बात होती है कि अनाड़ी बंदा भी खिलाड़ी बंदे को अगर जानता है, उसको प्रमोशन बता दिया सिर्फ, तो उससे भी वो पैसा बहुत बड़ा कमा सकता है। आप एक बार को जरूर, मैं चाहूंगा जरूर इस कंपनी को आप देखें। मैंने कहा किसी के साथ में, आप पहले सर्च करें, आप देखें कंपनी के प्लान को, देखें कंपनी के पे आउट को, देखें कंपनी किस विजन के साथ में काम कर रही है। इन जो हमारे सभी बड़े जो एक्सपीरियंस लीडर हैं, लोग हैं, उनको से आप विजन कनेक्ट करें। हमारे डीके सर का वीडियो देखें, आपको पता चलेगा किस पे बात करते हैं। वो लग्जरी लाइफ पर बात नहीं करते हैं। लग्जरी लेना बहुत अच्छी बात है,
लेकिन वो बोलते हैं कि आपकी जरूरत के हिसाब से सबसे पहले आपकी जरूरत आपके घर है, आपकी गाड़ी नहीं। मेरे को ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि इंसान आज के डेट में हर एक इंसान चाहता है कि मेरा अपना घर हो, किराए पर रहता है। बहुत सारे लोग 95% लोग किराए पर रह रहे हैं। आप देखिए, मैं भी अभी किराए पर रहता था, लेकिन नहीं, उनका विजन है कि हर इंसान पहले घर ले बाद में गाड़ी ले। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। ये सब सोच की वजह से मैं बात करता हूं, मैं LDT टीम से आता हूं, लॉयल ड्रीमर टीम से, और मैं चाहूंगा जरूर आप सभी लोग एक बार को जरूर अपना इस पे रिसर्च करें और देखें समझें। अगर आपको लगता है तो जरूर साथ में आने का डिसीजन लें और ओके लाइफ केयर को जरूर एक बार रिसर्च करें, कितनी पावरफुल, 4 साल के अंदर कितनी इंडस्ट्री, कितनी बड़ी बड़े काम करके दिखाई, अपना वेयर हाउस, अपनी ऑफिस, अपनी सर्विस देना लोगों को। आप देखें, आप कंपेरिजन करेंगे सिस्टम में काम कैसे होता है। पास्ट कंपनी में मैं बात करता हूं आपको कि वहां पे हमें काम करने के लिए, सिस्टम में काम करने के लिए अगर 1 लाख भी अगर इंसान कमा रहा है तो उसके पास में 10,000 रुपए भी नहीं बचते हैं, क्योंकि सिस्टम में इतना पैसा जाता है, इतने फंक्शन, इतने चीजें, पैसे खर्च होते हैं कि आपका पैसा बचेगा ही नहीं। 4 साल के बाद भी हम एक उतनी सेविंग नहीं कर पाए जिससे हम एक घर ले पाए। मैं झूठा तसल्ली किसी को नहीं देना चाहता था, यह बहुत बड़ी बात है। आप सोचे समझे जरूर रिसर्च करें उनके लाइफ केयर के बारे में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। माफी चाहूंगा कोई भी मेरे मुंह से कोई गलत वर्ड निकल गया हो तो माफी चाहूंगा सभी को तहे दिल से। आप जरूर एक बार को ओके लाइफ केयर के बारे में समझे, सोचे और विश्वास करें। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, अगर आप मेरे से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, वाकई में रीजन एक्चुअल में जानना चाहते हैं, अगर आपको ये बातें फील हुई हो कि वाकई में आपके टीम के साथ में ये सारी चीजें हो रही है और आपकी टीम आपको सपोर्ट, क्योंकि सबसे बड़ी आपका जो दौलत है आपकी टीम है। अगर आपकी टीम आपके साथ में है ना तो कुछ भी कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोग बैठ गए वो आपके टीम, वो भी आपके टीम है। सबसे बड़ी मैं बात करता हूं, वो सबसे हमारे लिए पहले हैं जो बैठे हैं, क्योंकि सपना उन्होंने भी लेके आए थे यहां पे, विजन देखा था पैसे कमाने के लिए। मेरे से अगर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर है, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं और सोच सकते हैं ओके लाइफ केयर के बारे में। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। बहुत जल्द आपसे फिर दोबारा रूबरू होंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी चीजें डिस्कशन करेंगे आपके साथ में। थैंक यू सो मच।